गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 4-5 रोजों से अपने ससुराल में था और वहाँ कुछ फंक्शन भी था, मुंडन था। और दोस्तों, आपको वीडियो भी देखने को मिला होगा जो मुंडन में कार्यक्रम हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था। और उसमें जो है दोस्तों, मैंने 5-6 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ और आपको 2-3 वीडियो देखने को मिल गया होगा। और जो मेन पार्ट है दोस्तों मुंडन का, वो भी आपको कल तक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया हूं, आप ज़रूर देखिएगा और सभी पार्ट को देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम अपने घर से ब्लॉगिंग, फैमिली ब्लॉगिंग। आपको कई दिनों से नहीं मिला होगा दोस्तों। तो चलिए गाइज, सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DN यादव ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब गाइज, बताइए कमेंट में ज़रूर। तो अभी जो है 8 बज चुका है। और तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा प्लेन हो चुका है। यहाँ जो गिट्टी बालू था, हमने जो उठा के इसको उधर डाले थे, आपको पिछले वीडियो में भी देखने को मिला होगा। वहाँ पे गिट्टी बालू, ईंट वगैरह, ईंट का टुकड़ी जो था वहाँ डाल दिए हैं। और आंगन जो है अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और मम्मी जो है खेत से वो गीली वाला मिट्टी ला के इसको पूरा, देख सकते हैं, पूरा प्लेन हो गया है। तो अब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, मम्मी जो है चूल्हा बना रही हैं नया वाला, ये देख सकते हैं, ये खाना बनाने के लिए है। और इधर एक बड़ा वाला जो है चूल्हा बन रहा है। तो इस पे जो है गाइज, इस पे धान उबाला जाता है। देखिए अब जो है फूल, ये गेंदा का फूल जो है अब ये सूखने लगा है धीरे धीरे। पहले जैसा नहीं फुलाता है, क्योंकि अब इसका सीजन ख़त्म हो रहा है। तो देख सकते हैं अब थोड़ा बहुत फुलाता है, फूल आ रहा है। लेकिन वहाँ जो है वो हजारी वाला गेंदा, देख सकते हैं, वो उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा फूल आ रहा है। तो वो वाला फूल काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, देखने में भी काफ़ी एट्रैक्टिव लगता है। और इसमें जो रूम में जो साग बोए थे दोस्तों, सब ख़त्म हो गया है, सब उखाड़ के तोड़ के साग हो गया, बन गया, अब देख सकते हैं क्या है। और दोस्तों, अब अगले मंथ तक कोशिश करता हूँ कि इसको छत भी बना दें, छत ढलाई करके इसको क्लियर कर देंगे, ताकि अब जो है दोस्तों रूम की भी आवश्यकता है। दो रूम है उधर, तो गेस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी ये दो रूम जब इसका कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और दोस्तों किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देख सकते हैं जो सेम का लत्ती है, सेम कैसे फटता है, घोदिया सेम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेम है। तो ये पूरा घोदा घोदा करके फटता है। और यहाँ भी देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक घोदा है। और इधर किचन पर भी सेम का लत्ती है, यहाँ भी बहुत फटता है सेम। और ये देखिए गाइज, ये अदौरी बनाई है मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए चावल के आटा का बनता है ये, और इसमें थोड़ा कलर मिलाया गया है।
तो अब ये जो है सूखेगा, 2-4 दिन में पूरा सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तब इसको रख लिया जाएगा और फिर इसको खाना में बनाया जाएगा। चिप्स वगैरह बनाते हैं उसी तरह से, इसको फ्राई करके बनाया जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और एक चीज और दिखाते हैं, ये कोहरा का ये अथी है, बिच्चा है, तो जो कोहरा पक जाता है कदीमा, तो उसका जो है ये बिच्चा सब्जी बनाते समय निकाल के रखा जाता है, और ये सूखने के बाद जो है भून के खाने में, हल्का नमक और भून दीजिए पहले और हल्का नमक तेल मिला दीजिए, खाने में ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ये हल्दी है, हल्दी को उबाल के और इसको ये चीर के रखा गया है, इसको सूखने के बाद जो है मशीन में पिसा के इसका हल्दी का पाउडर बनाया जाएगा, चाय बनवे छी। और देखिए मम्मी चाय बना रही है किचन में दोस्तों। और ये सीम का भी सब्जी बनेगा, देखिए कढ़ाई में सीम का सब्जी तोड़ के रखा हुआ है, सीम आलू का सब्जी बनेगा। और इस डब्बा में देखिए आटा रखा हुआ है, गैस सिलेंडर देखिए चूल्हा खराब हो गया है रखा हुआ है, गोइठे पे खाना बनता है दोस्तों। देखिए हमारे यहाँ चूल्हा है मिट्टी का और गोइठा है, और ये है कोठी, मिट्टी का कोठी है, 2 गो कोठी है किचन में, इसमें धान और रखा जाता है, धान गेहूं। और अब चाय बन गया है, चाय पी लेते हैं। आप लोग चाय पिए या नहीं दोस्तों कमेंट करके बताइए। और इधर देखिए एक जो ये कदीमा रखा हुआ है दोस्तों, अभी और दोस्तों आज के ब्लॉगिंग के साथ साथ आपको एक रिव्यू भी दिखाऊंगा, जो कि मैंने इंटरव्यू माइक का जो ऑनलाइन किया था दोस्तों, परचेज किया था, वो फाइनली आ चुका है, देख सकते हैं अमेजोन से देख सकते हैं। ये दोस्तों 2-3 रोज पहले डिलीवर्ड हुआ है, मैं घर पे था नहीं, मम्मी थी तो मम्मी ने रिसीव की है। तो दोस्तों आज इसका फुल रिव्यू आपको दिखाऊंगा और पूरा इसका यूज कैसे होता है, कैसे सेट किया जाता है, मोबाइल में कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसका पूरा वीडियोज आपको अभी दिखाऊंगा। और ये माइक कैसा है देखने में, कितनी प्राइस इसकी आई है, तो सारा चीज इस वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो गैज मैं आ गया हूँ, अपने घर के बगल में पोखर है घूमने के लिए, और ये देखिए बत्तख, बड़ा वाला जो हंस बत्तख होता है, ये कितने मजे से बैठे हुए हैं पोखर साइड में। और इधर हम अपना बाड़ी दिखाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है मम्मी ने गोइठा ये बना के सूखने के लिए दी है, और ये है दोस्तों पेड़ उड़ लगा हुआ है, और यहाँ देखिए पुआल रखा हुआ है गाय को खाने के लिए, यहाँ एक गड्ढा है इसमें गोबर रखा जाता है, और यहाँ देखिए मम्मी गोइठा बना रही हैं, गोबर का जो गोइठा बनता है दोस्तों, देखिए किस तरह से बनता है। Thank you.
और देखिए दोस्तों, ये दीपक है, ये चौर से मछली मार के लाया है। देखिए कितना ज़्यादा मछली फंसा हुआ है जाल में, और ये देखिए किस तरह से मछली को छुड़ाता है जाल से। और इनसे हम भी मछली लेंगे आज, कुछ मछली लेके बनाएंगे आज। ये छोटी मछली है दोस्तों, इसको कोतला और पोठी बोला जाता है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, तो आज हम भी इसे ले के बनाएंगे। और आज के ब्लॉग्स में आपको पूरा इसका प्रोसेस बताएंगे, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको जो है पकाया जाता है। तो आप बने रहिए दोस्तों ब्लॉग्स में लास्ट तक। गाइज मछली लेके आ गया हूँ घर, और इसको अब कढ़ाई में निकालते हैं और इसके बाद बनाएंगे इसको। देखिए किस तरह का ये छोटी मछली होती है, इसमें ज़्यादातर कोतला है, कोतला बोलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कांटा भी होता है बहुत ज़्यादा, और बनाने में इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अब इसको बनाते हैं। और ये देखिए ये कब्बे मछली है दोस्तों, और ये मछली जो होता है बहुत ही अच्छा, छोटी मछली में सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है दोस्तों। मतलब इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मछली जल्दी मिलता भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी मछली होती है। तो इसको बनाने के लिए चाहिए राख, तो राख ले लिए हैं दोस्तों, और ये हंसिया भी ले लिए हैं। अब इसको देखिए किस तरह से बनाया जाता है। अब इसको राख में डालेंगे, देखिए दोस्तों इसको राख में अच्छी से मिला देंगे, ताकि इसको जो इसका जो छिलका होता है दोस्तों, इसको छीलने में फिसले नहीं, इसलिए राख मिलाया जाता है। और अब देखिए इसको इस तरह से इसका जो छिलका होता है छिला जाएगा, और फिर इसको बीच से ऐसे काट के इसका जो अंदर का वेस्ट भाग होता है उसको, अब देखिए बिल्कुल ही धो के फ्रेश हो गया है मछली, अब बनाने के लिए तैयार हो गया है। इधर चूल्हा उल्हा लगा दिए हैं दोस्तों, देखिए अब इसको डालते हैं कढ़ाई में, और इस तरह से इसको अच्छी से फ्राई कर लेंगे। और जब फ्राई हो जाएगा अच्छा से, तो उसके बाद जो है दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ होता है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोगों के आंगन में मछली वगैरह नहीं जाता है। हम लोग इसलिए दरवाज़ा पर ही मछली लाते हैं, चूँकि हमारी मम्मी पापा भी नहीं खाते हैं, और अभी अब हम अकेले खाने वाले हैं, और हम लोग खुद से ही मछली बनाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा सारा जो बर्तन होता है वो अलग होता है, और मिट्टी का चूल्हा है, देखिए हम खुद से इसमें आँच दे रहे हैं और बना रहे हैं। और देखिए मछली जो है अब दोस्तों अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, देखिए किस तरह से फ्राई हो गया है। देखिए फ्राई होने के बाद किस तरह से ये जो है हल्का सा हार्ड हो जाता है, और एक दूसरे में चिपक जाता है। अब जो है दोस्तों देख सकते हैं, मसाला वसाला भून के पानी डाल दिए हैं, और पानी भी खोल गया है। अब इसमें मछली को गिराएंगे, मछली डालेंगे। तो अब दोस्तों मछली इसमें जो है डाल देते हैं। इसके बाद जो है फिर इसको 5 से 10 मिनट
कड़ा तव लगाना है, कड़ी आंच पे इसको जो है पकाना है और उसके बाद मछली हो जाएगी तैयार। तो अब दोस्तों बैठ गए हैं खाना खाने, देख सकते हैं मछली बिल्कुल बन के तैयार है और चावल आया है, चावल के साथ में खाना है। तो आप लोग को भी इनवाइट है, आ जाइए दोस्तों जल्दी से, आपको छोटी मछली खिलाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको माइक का रिव्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, तो इसकी पैकिंग जो है दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से पैकिंग किया गया है। तो इसको किधर से खोला जाए, चलिए इधर से खोलते हैं। कुछ इसको खोलने के लिए तो मैंने चाबी ले लिया है दोस्तों, इसी से जो है इसका ये रैपर जो है इसको अलग करते हैं। तो दोस्तों रैपर हो चुका है अलग और इसको अब तो आपको दिखाते हैं किस तरह से पैकिंग किया गया है। ये देखिए इसका सेफ्टी के लिए जो है दोस्तों ये फोम का अंदर ये डाला गया है, देख सकते हैं ये देखिए फोम का डाला गया है। देखिए दोस्तों यही है माइक, बिल्कुल आप देख सकते हैं। पहले इसको साइड में रखते हैं और इसमें देखते हैं और कुछ है क्या। और दोस्तों ये देखिए ये जो केमिकल का पैकेट रहता है कोई भी प्रोडक्ट्स को ये खराब नहीं होने देता है, तो ये निकला। और अब डब्बा को साइड में रखते हैं और बिल्कुल यही माइक है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसका सारा फंक्शन आपको कनेक्ट करके भी दिखाएंगे और इसका वॉइस भी आपको सुनाएंगे कैसा वॉइस आता है। तो चलिए इसको निकालते हैं रैपर से। वायर जो है दोस्तों इसका वायर 10 फीट का या 12 फीट का शायद आता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और ये जो है दोस्तों इसका जो प्राइस आया है, इसका प्राइस 888 रुपया का आया है दोस्तों 888 में। तो मैंने अमेजोन से परचेज किया था और अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, आप कहिएगा कि आपके पास तो माइक था, तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो यहाँ कॉलर में लगा रखा है ये बोया BYM1 का माइक है। और ये जो माइक होता है दोस्तों ये फेस कैम वीडियो बनाने के लिए, अगर आप स्टेबल वीडियो बनाते हैं जैसे मैं अभी बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, तो इसके लिए ये बेस्ट होता है दोस्तों, कॉलर माइक बोला जाता है। इसको कॉलर में लगा के और बैठ के आराम से अपना वीडियो बनाइए। लेकिन इस माइक को जो परचेज करने का मकसद है दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माइक आता है स्पेशली इंटरव्यू के लिए आता है, अगर आप किसी अगले आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं भी आप किसी भी प्लेस को दिखा रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, या उसी दौरान आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, तो ये जो माइक होता है दोस्तों ये बेस्ट माइक होता है। और ये वॉन का माइक है, वॉन कंपनी का। और ये जो है 888 का पड़ा है और आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका वायर का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा बेस्ट क्वालिटी है
और ये वॉन का माइक है, देखिए स्टिकर लगा हुआ है वॉन का, और बहुत ही मतलब मोटे वायर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और ये देख सकते हैं आप कितना लंबा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके, देखिए एक बार ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना लंबा। और आपको देखिए दिखाता हूँ, यहाँ से ये जो कनेक्ट है नीचे से वायर इसका कनेक्ट है, बिल्कुल सेफ्टी लग रहा है। और आगे साइड में इसका जो माइक है दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जाली नुमा दिया हुआ है, और इसका माइक यहाँ पे सेट किया गया है। और ये जो है दोस्तों ये बिल्कुल ही लोहे का है और बहुत ही हार्ड मेटल है, मजबूत है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये इसके ऊपर में एक लगाने के लिए जो नॉइस कैंसिलेशन फोम आता है दोस्तों, वो हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आता है यहाँ तक, आप देखे होंगे इंटरव्यू माइक में, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आएगा, लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे पकड़ने वाला रहेगा। तो मैं बिल्कुल ही वो परचेज कर चुका हूँ दोस्तों, और मुझे मंडे तक जो है डिलीवर्ड हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और जो आवाज़ होता है बिल्कुल आवाज़ और नॉइज कैंसिल करेगा, जो कि आप अगर इसका यूज करते हैं और उसके दौरान शोरगुल होता है, बाहर का आवाज़ आता है, तो वो बाहर का जो आवाज़ है बिल्कुल ही उसको कैंसिल कर देगा, और जो आप बोल रहे हैं आपका आवाज़ जो है एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए जो इसका फोम आता है दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको इसका यूज करके दिखा देते हैं कि इसका वॉइस कैसा है। अपने बोया माइक को हटाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैं कॉलर में लगाया हुआ था, इसको हटा के रख देते हैं। और इसका आवाज़ आप अभी सुन रहे होंगे, और इसका भी आवाज़ आपको सुनाएंगे, दोनों में आप जो है आप अनुभव करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। से पहले माइक को यूज करने के लिए चलिए ओम नमः शिवाय, जय बाबा विश्वकर्मा। तो दोस्तों चूंकि मैं नया ये प्रोडक्ट मंगाया हूँ, तो सबसे पहले बाबा विश्वकर्मा को याद कर लिया गया, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक में और ये मेटल में आता है। तो चलिए अब आपको शायद बिल्कुल ही मेरा आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुझे तो मालूम है नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने पहली बार इसको कनेक्ट किया हूं और मुझे पता भी नहीं है कि आपको आवाज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आप यहां पे बोल सकते हैं, और बिल्कुल ही क्लियर आवाज़ इससे जाएगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो जो बोया माइक था और ये जो माइक है, दोनों में किसका आवाज़ अच्छा है, जबकि इसका अभी जो है वो फोम नॉइस कैंसिलेशन का लगना बाकी है। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में आवाज़ किसका अच्छा है, पहले वाले माइक का अच्छा है या इस माइक का अच्छा है। और दोस्तों आपको अगर इसका आवाज़ मिल रहा होगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो पहली बार कनेक्ट किया हूँ, इसकी आवाज़ कैसी है पता नहीं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से बिल्कुल इसका जो यूज होता है दोस्तों इंटरव्यू के लिए यूज होता है,
और अगला जैसे कि आपके साथ में अगर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है और उससे आप बातें कर रहे हैं, तो आसानी से आप जो है यहाँ पकड़ के इसको या इंटरव्यू लेते हैं, तो आप बिल्कुल इस तरह से उसके मुंह के पास देखे और इंटरव्यू ले सकते हैं दोस्तों। ऐसे में बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होता है और आराम से आप जो है इस प्रकार से वायर जो है दोस्तों बहुत ही लंबा है, तो अगर आप मान लीजिए 10 फीट 12 फीट दूर से भी आप किसी चीज़ को दिखा रहे हैं और 10 फीट दूर में आपका कैमरा है, वहाँ आपका कैमरामैन आपका कैमरा पकड़ के आपको कवर कर रहा है, तो आसानी से आप जो है दोस्तों इस वायर के माध्यम से आप इंटरव्यू ले सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आज का ब्लॉग्स कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और माइक का जो है दोस्तों इसका रिव्यू कैसा लगा इसका भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, और वीडियोज को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।